बताए वो कर्म ही नहीं करा। तीन शनिवार कर्म हो गए, माई मसानी उस पे है तेरे लड़के पे। बोलो मेरे साथ दरबार की जय। उसके शरीर में रहता है दर्द, बेचैनी, घबराहट, डरा डरा रहेगा घर के अंदर। बोलो मेरे साथ दरबार की जय। उसकी घर की कुलदेवी काली है और भाव में नहीं देती। बोलो मेरे साथ अच्छे दरबार की जय। आज तक कुलदेवी का भोग दिया इसने, आज तक जिंदगी, आज तक इसने जिंदगी में मेरा भोग नहीं। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। किसे नहीं पता कुलदेवी कौन है और कुलदेवता ही कौन है। मेरे घर की कुलदेवी हूँ मैं। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। मीठे पूड़े का भोग अपने घर वाले के ऊपर से बार के भोग देखा और अपने ऊपर से बार के। शाम के टाइम वहाँ पर जोत जलाएगी और मेरे भोग देखा, इसके घर में सुख शांति हो गई। जो इसके काम रुक रहे हैं वो मेरा भोग ना देने पर रुक रहे हैं। कुलदेवी को कभी पूजा ही नहीं और ना ही पूजा इन्होंने अपने देवता भैरव को। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। मेरे घर में लेकिन तू मेरा भोग ही नहीं देती तो मैं तो ऐसी छोड़ूंगी ना मन में दे। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। बेटा बता तो रही हूँ, तभी तो करना ये उपाय ठीक है। सात वाला तेरे को सात प्रकार की मिठाई, एक जटा नारियल वाला लिख के दिया हुआ है ना, मैंने बताया था सात काली मिर्च, ये वाला उपाय जो है तीन शनिवार उसके ऊपर से है। बेटा एक पोलोथिन में डाल लियो सारा सामान और वो मिठाई का जो बॉक्स तुम देगा उसको खोल लेना, उसमें कोई भी सामान बंद मत रखना। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। तुम्हारा बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं ना, कोई काम नहीं हो पाता, वो मेरा भोग ना देना। मैं तेरे घर की कुलदेवी हूँ और तू मेरा भोग नहीं देती, इसलिए मैं तेरा कोई कार्य नहीं बनने देती और ना बनने दूंगी जब तक तू नहीं देती। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। दे बेटा प्रसाद देश को, आगे आ जाओ भाई प्रसाद देश को। किसका नंबर है, एक कदम करो आगे आ जाओ फटाफट। दो नंबर, तीन नंबर, एक एक करके आगे आ जाओ। नंबर एक नंबर ओ मेरे साथ। आंटी आ जाओ, आंटी वो है भैया, अभी रुक जाओ रुको, एक नंबर वो है अभी, एक नंबर वो बैठे हैं, एक नंबर वो बैठे हैं अभी भाई। आंटी जी, आंटी जी नंबर लगाओ अपना, एक नंबर लगा लो, नंबर लगा लो अपना।